नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवा और आज रेडियो द्वारका की टीम आई है सेक्टर 13 इस्कॉन टेंपल में, जहाँ पे 4 अगस्त को एक प्रोग्राम रखा गया है दिल्ली हार्ट जनकपुरी में, जिसका थीम है लक्ष्य। उसी के बारे में यहाँ पे आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो यहाँ पे आज हम कुछ लोगों से बात करेंगे इस प्रोग्राम के बारे में, क्या इसमें बताया जाएगा। तो आइए अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सो लिसनर्स, अभी हमारे साथ है अमोघ लीला दास जी, उनसे बात करेंगे। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो 4 अगस्त को जो प्रोग्राम रखा गया है लक्ष्य, मेन मोटिव क्या है इसका? लक्ष्य का मेन मोटिव है दिल्ली में जितने भी लोग हैं उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना कि भगवान का एक सुंदर मंदिर बन रहा है और हमको मिल करके इसको कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए। और द्वारका है, जनकपुरी है, विकासपुरी है, स्पेशली एरिया जो कि काफी पास पड़ेंगे इस सेंटर के, सो दिल्ली हाट में हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि अवेयरनेस क्रिएट हो, क्योंकि लोग सेवा करना चाहते हैं पर सेवा के एवेन्यूज उनको नहीं पता होते। सो इस्कॉन का ब्रांड इतना अच्छा है, सब लोग जानते हैं कि इस्कॉन निस्वार्थ भाव से सेवा में लगा हुआ है, सनातन धर्म का प्रचार करना है, भगवान का नाम सबको देना है और प्रसाद बांटने में तो वी आर अनपैरेलल, तो लोग जानते हैं इस बारे में कि इस्कॉन इतना अच्छा कार्य कर रहा है, तो इसीलिए लोग देना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं। तो हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं थ्रू दिस प्रोग्राम, जिसमें कि अनुज जोड़ा जी हमारी हेल्प कर रहे हैं कि ये लक्ष्य इस्कॉन द्वारका श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश टेम्पल जो कि यहाँ सेक्टर 13 द्वारका में है बनने जा रहा है, इसके लिए अवेयरनेस आएगी तो लोग सेवा के लिए भी आगे आएंगे, तो इसलिए हम लोग इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। सर आप बताइए, जैसे ऑलरेडी इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है तो क्या जरूरत है एक और टेम्पल बनाने की साथ में ही? बिल्कुल, जैसे कि अगर एक क्लिनिक खुलता है तो क्लिनिक में लोगों का इलाज होता है, लेकिन अगर लोगों की तादाद बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर हमें एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना पड़ता है ताकि हम ज्यादा लोगों की सेवा कर सकें। तो इस तरह से एक मंदिर बना हुआ है, ये क्लिनिक के तौर पे कार्य कर रहा है और यहाँ कई लोगों की हेल्प हो भी रही है, जैसे बताया गया 192 सुसाइड केसेस हैं वो रोके गए, और भी एक तरह की कई सेवाएं चल रही हैं, पर क्योंकि हम देख रहे हैं कि हम कई लोगों की सेवा नहीं कर पा रहे, रीजन भी हमारे फैसिलिटी कम है, राइट? यू वांट टू क्रिएट अ ग्रेटर फैसिलिटी, बेटर फैसिलिटी ऑडियो विजुअल के थ्रू, ऑडिटोरियम्स में बड़े प्रोग्राम्स कर करके, तो इस तरह से हम ज्यादा लोगों को एक्सेस कर पाएंगे, अप्रोच कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे। सो वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट अ स्पिरिचुअल क्लिनिक इनटू अ स्पिरिचुअल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बाय कंस्ट्रक्टिंग अ बिगर टेम्पल। सर इसकी कॉस्ट क्या आएगी इस टेम्पल की? अभी मोटा मोटा करीब 100 से 120 करोड़ तक ऐसा टेंटेटिव है, बाकी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो कॉस्ट जो है थोड़ी प्लस माइनस हो सकती है, लेकिन मोटा मोटा 120 करोड़ कॉस्ट। इसका कंट्रीब्यूशन आप लोग कैसे कर रहे हैं? हम जा रहे हैं 1-to-1 लोगों से मिलते हैं, बिजनेसमैन हैं लोगों से मिलते हैं, फिर जो वो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं जो बिजनेसमैन है, बाकी हमारे यहाँ कुछ इवन सर्विस क्लास लोग भी, इवन रिक्शा वाला भी हैं जो कि महीने का 100 रुपए देते हैं कि भगवान की सेवा में 100 रुपए ले लीजिए। तो इस तरह से हम चाहते हैं कि हर तरह के लोग इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करें, चाहे रिच बिजनेसमैन हो, मिडिल क्लास आदमी हो या रिक्शा चलाने वाला भी हो, सब अपनी मेहनत की कमाई से भगवान का एक सुंदर सा मंदिर बनाए। सर एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो मंदिर बनाने में कितना टाइम लगे, कितने टाइम पीरियड है? जिस तरह से मंदिर का प्रोजेक्ट है इसको करीब 5 साल लग जाएंगे, प्रोवाइडेड हमको हर महीने 1 करोड़ रुपए आ जाएं, जो कि अभी नहीं आ रहे, वी आर इन डर्थ ऑफ मनी, और बीच में कभी अभी कंस्ट्रक्शन रोकनी भी पड़ जाती है क्योंकि अभी लक्ष्मी आ नहीं रही इतनी स्पीड के साथ, बहुत कम स्पीड है। सो अगर करंट स्पीड के साथ देखें तो फिर 15 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अगर हमें हर महीने करीब 1.5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं भगवान की दया से, और कई दानदानी लोग हैं आज इंडिया में, अगर वो देंगे हमें, सो अगर उस तरह से तो देन ऑफ कोर्स 5-6 साल में और मैक्सिमम 7 साल में हम ये मंदिर बना पाएंगे। थैंक यू सो मच सर। हरे कृष्णा। अभी हमारे साथ अनिमेश खंडेलवाल जी, उनसे बात करेंगे। तो अनिमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जो लक्ष्य जो प्रोग्राम है 4 अगस्त को, तो इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ी डिटेल हमें बताइए, क्या है बेसिकली और क्या मोटिव है इसका? ये जो लक्ष्य फेस्टिवल है इसका मोटिव ये है कि इस्कॉन द्वारका का जो मंदिर स्थापित हो रहा है अब इस्कॉन द्वारका में, जो कि 120 करोड़ की उसकी लागत है और 2 एकड़ की जमीन पे वो बन रहा है, तो उसके लिए फंड रेजिंग करना और उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, मतलब उसके बारे में जन जन तक जानकारी पहुंचाना कि ऐसा कोई मंदिर बन रहा है, ये इस प्रोग्राम का पर्पस है। तो उसी पर्पज से हमने हमारी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है इंस्टा प्लानर्स, हम इस्कॉन द्वारका के साथ मिलके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसमें अनुप जलोटा जी को इनवाइट किया गया है अपनी अपने भजन की संध्या करने के लिए, तो वो एक कॉन्सर्ट जैसा करेंगे 4 अगस्त की शाम को 6 से 9 बजे के बीच में दिल्ली हाट जनकपुरी में। ये जो काम कर रहे हैं, जो जो एक्टिविटीज इन्होंने प्लान की हुई है मंदिर में,
वो सिर्फ एक नॉर्मल मंदिर जैसे नहीं है कि सिर्फ आके जैसे पूजा कर ली या कोई कुछ चढ़ा दिए पैसे या वैसा नहीं है. ये बहुत अलग अलग चीजें प्लान कर रहे हैं, जैसे कि एक एजुकेशन सेंटर बनाने का उसको प्लान कर रहे हैं जहाँ पे अलग अलग वर्ग के बच्चों को अलग अलग टाइप की एजुकेशन दी जाएगी, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे कोर्सेज होंगे. तो हमें लगा कि ये एक बहुत अच्छा काम है जो जो यहाँ पे हो रहा है. द्वारका की ये मंदिर द्वारका की नहीं दिल्ली की नहीं इंडिया की शान बनेगा, क्योंकि ये मेरे ख्याल से एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट इस्कॉन टेम्पल्स बन रहा है यहाँ पे. तो हमें लगा कि जब इतना बड़ा कार्य हो रहा है तो हमें भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सो लिसनर्स, जैसे आप सभी ने सुना, हमने यहाँ पे बात की जैसे कुछ लोगों से, तो इस्कॉन ये चाहता है कि उनका जो टेंपल है वो सिर्फ एक टेंपल के तौर पे ना, बल्कि उसमें काफी सारी चीजें हों जिसमें ये लोग एक्टिविटीज भी करवा सके. इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रोग्राम रखा गया है दिल्ली हार्ट जनकपुरी में. तो आप लोग आना चाहें तो आप लोग आ सकते हैं. इसकी टाइमिंग है 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, 4th of August डेट है. तो आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं. तो मैं शिवा आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर.